नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें। और इसी के साथ में सोने और चांदी के भाव में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो जो लोग सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि आने वाले समय में सोने का भाव 3000 रुपए प्रति 10 ग्राम के अनुसार सस्ता होने वाला है। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। तो सबसे पहले मौसम विभाग की ओर से बड़ी खबरें हैं कि 17 शहरों के लिए अगले 48 घंटे बारिश, गिर सकते हैं ओले, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले समय में मौसम का मिजाज भारत के कई राज्यों में बदलने वाला है। जयपुर यानी कि राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार की सुबह से बादल छाए हुए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तापमान 18.7 डिग्री पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ में भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के कई बड़े शहरों में हल्की बारिश हो सकती है। चलिए तो इसी के साथ में अगली खबर है, दिल्ली एनसीआर में बारिश, खराब मौसम के चलते 14 उड़ानें हुई डाइवर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में शनिवार की शाम को मौसम अचानक से बदल गया और कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चलने लगी और इसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट पे कई उड़ानें भी डाइवर्ट कर दी गई। दिल्ली में खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से लखनऊ, अमृतसर, अहमदाबाद और जयपुर के लिए 14 उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया है। चलिए तो अगली बड़ी खबर है, बच्चों को सर्दी और जुकाम में देने वाले कप सिरप में मिला जहर, 8 राज्यों में बिक्री पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं जिनको सर्दी जुकाम होने पर आप दवा अथवा सिरप देते हैं तो दरअसल कोल्ड बेस्ट पीसी नाम का कप सिरप बच्चों की जान का दुश्मन बनता जा रहा है, जो कि बैन होने के बावजूद भी मार्केट में बिक रहा है। बच्चों को खांसी जुकाम में दिए जाने वाले इस सिरप में जहरीली रसायन पाए गए, जिस कारण से जम्मू के उधमपुर में 9 बच्चों की जाने चली गई है और कई लोग बीमार हो चुके हैं। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस सिरप की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है। सूत्रों की माने तो 8 राज्यों से इस जहरीले कप सिरप की 5000 बोतलें वापस मंगा ली गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए तो अगली खबर है, टाटा स्टील के 13,500 कर्मचारियों को मिलेगा 50 ग्राम चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, टाटा वर्कर्स यूनियन के शताब्दी वर्ष के मौके पर कंपनी के कर्मचारी सह यूनियन के 13,400 सदस्यों को 50 ग्राम चांदी का सिक्का देने के लिए प्रबंधक की ओर से ऑर्डर दिया जा चुका है। कंपनी की ओर से दिए गए ऑर्डर में 13,400 कर्मचारियों के अलावा कंपनी के अधिकारी व समारोह में आने वाले अन्य अतिथियों के लिए 100 अतिरिक्त सिक्कों का ऑर्डर भी दिया गया है। चलिए तो अगली खबर है, 1 मार्च से देश में लागू हो जाएंगे ये 5 नए नियम, आप पर होगा इसका सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्च से देश भर में बड़े बदलाव होने वाले हैं। मोदी सरकार के नए नियमों को 1 मार्च 2020 से लागू कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वे 5 बड़े बदलाव है जो कि 1 मार्च से लागू होने वाले। चलिए तो पहला बदलाव है, आपका बैंक खाता हो सकता है ब्लॉक। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो KYC करवाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपने अकाउंट का KYC नहीं करवाते हैं तो 1 मार्च 2020 के बाद पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक। इसके बाद दूसरा बदलाव है, 2000 रुपए का नोट ATM से नहीं आएगा बाहर। जी हां दोस्तों, भारतीय बैंक खाता धारकों के लिए बड़ा बदलाव है, अब ATM से 2000 रुपए का नोट बाहर नहीं आएगा। इंडियन बैंक के मुताबिक ATM में 2000 के नोट रखने वाले कैसेट बंद कर दिए गए, क्योंकि बैंक का कहना है कि 2000 रुपए के नोट बाजार में चलाने में परेशानी होती है क्योंकि इसके बदले में खुले पैसे जल्दी नहीं मिल पाते है। इसके अलावा लॉटरी के नियम में हुआ बदलाव। जी हां दोस्तों, लॉटरी लगने पर 28% की दर से GST लगेगा, पहले मात्र 12% GST ही लगता था। इसके अलावा ATM के ATM कार्ड से पैसे निकालने का नियम भी बदल चुका है, अब आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM से पैसे निकालने के लिए OTP की जरूरत होगी, रात को 8 बजे से लगाकर सुबह के 6 बजे के बीच में। इसके अलावा SBI के ATM में मात्र डोमेस्टिक कार्ड का ही प्रयोग किया जा सकेगा, इंटरनेशनल कार्ड का प्रयोग करने के लिए अलग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। चलिए तो पांचवा जो बड़ा बदलाव है, LPG के दामों में हो सकती है कमी। जी हां दोस्तों, होली से पहले जनता को LPG की कीमतों में बड़ी राहत मिल सकती है। बड़ी ऑयल कंपनियां हर महीने LPG की कीमतों में बदलाव करती रहती है, लेकिन इस बार LPG गैस की कीमतों में 25% की कमी देखने को मिलेगी। चलिए तो अगली खबर है, दिल्ली NCR में चलेगी डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी, ऐसे कर सकते हैं ऑर्डर। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा औपचारिक रूप से सोमवार 2 मार्च से शुरू हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय से अनुमति के बाद एक स्टार्टअप कंपनी इसकी शुरुआत करने जा रही है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार इसकी लॉन्चिंग शास्त्री नगर से करेंगे। चलिए तो अगली खबर है, फांसी से बचने के लिए दोषी अक्षय ने फिर लिया कानून का सहारा, राष्ट्रपति से मांगी दया। जी हां दोस्तों, निर्भया के चारों दोषियों
आरोपियों में से अक्षय सिंह ने एक बार फिर से फांसी के फंदे से बचने के लिए कानून का सहारा लिया है। उसने एक बार फिर से दया याचिका सुधार कर राष्ट्रपति के पास भेजी है। हालांकि आपको बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों को फांसी देने के लिए दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने 3 मार्च 2020 की तारीख तय करके रखी हुई है। चलिए तो अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल सकती है मुफ्त बिजली, मंत्री ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों को भविष्य में मुफ्त बिजली दे सकती है और इसके संकेत शनिवार को ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल ने दिए। उन्होंने बताया कि अभी इस दिशा में विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसकी घोषणा भी शीघ्र हो जाएगी। चलिए तो बात करें सोने चांदी के भाव की, तो सोने की कीमतों में आई 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट। अब घरेलू बाजार में भी हो सकता है 3,000 रुपए तक सस्ता। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार के बाद अब दुनिया भर में सोने की कीमतों में 5% की भारी गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते 3 दिन में ही सोना 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। आगे भी 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट आ सकती है। दरअसल केडिया कमोडिटीज के MD अजय केडिया ने न्यूज 18 को बताया कि मुनाफा वसूली की वजह से ग्लोबल बाजार में सोने की कीमतें गिरी है। हालांकि अगले हफ्ते निचले स्तर से कुछ रिकवरी आ सकती है, लेकिन बड़ी तेजी की कोई भी उम्मीद नहीं है। घरेलू बाजार में सोना 5-7% तक सस्ता हो सकता है, तो ऐसे में जल्दी सोने की कीमत 43,000 रुपए से गिरकर 39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ सकती है। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,070 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 32,560 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 40,700 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,07,000 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही दोस्तों बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,190 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 33,520 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 41,900 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,19,000 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। यानी कि आज भी सोने के भाव में 900 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है, जो कि काफी अच्छी बात है। वही बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के ताजा भाव की, तो वो भी आप देख सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन पर दी गई है। चलिए तो आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सी जगह पर है। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और वे जीत सकते हैं गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसी के साथ में पेटीएम कैश भी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ में नीचे कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए तो आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।